हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे माय मैथ्स क्लास क्लास सेकंड में टुडे माय टॉपिक है सब्ट्रैक्शन, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5 के लास्ट क्लास में हमने 1-4 क्वेश्चन किए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यस, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। देयर were 539 bees in a field, 250 bees out of collect nectar, how many bees were left in the heap? Yes, हमने क्वेश्चन लिखा है वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 5। देयर वर 539 बीज इन अ हीप। एक मधुमक्खी का छत्ता है, उसमें कितनी मधुमक्खी है टोटल? 539। 250 बीज फ्लू आउट ऑफ द कलेक्ट नेक्टर, उनमें से 250 बीज उड़ गई। किस लिए? कलेक्ट शहद को इकट्ठा करने के लिए छत्ते से बाहर चली गई। हाउ मैनी बीज वर लेफ्ट इन द हीव, छत्ते में बाकी कितनी मधुमक्खियां रही है हमें वो फाइंड करना है। हम सॉल्व करेंगे। यस, टू और लेफ्ट। यस, कितनी मधुमक्खियां थी जो छत्ते से उड़ गई? यस, पहले हम यहां टोटल नंबर ऑफ बीज लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ बीज है 539। उनमें से फ्लू कितनी मधुमक्खियां उड़ गई है और लेफ्ट, और कितनी मधुमक्खियां लेफ्ट रही है? तो कितनी मधुमक्खियां उड़ गई है? 250 मधुमक्खियां क्या हो गई? फ्लू हो गई, वहां से उड़ गई। और लेफ्ट कितनी बची है वो हमें फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, टोटल नंबर में से, टोटल नंबर हमारा कितना है 539, इसमें से हमें फ्लू कितनी मधुमक्खियाँ उड़ गई है वो हम इसमें से लैस कर देंगे। 250, यस, लैस करेंगे। 9 में से 0 लैस किया, 9 सॉरी 3 में से 5 लैस नहीं हो सकता, हमने 5 से 1 यहाँ बोरो किया, यहाँ रह गया 4। 13 में से 5 लैस करेंगे तो क्या आएगा? 8, यस। अब हम ये 2 है ये किस में से लैस करेंगे? 4 में से, 4 में से 2 लैस किया, 2। तो हमारा आंसर हो गया 289। क्या आंसर हो गया हमारा? 289 बीज वर लेफ्ट इन द छत्ते में कितनी मधुमक्खियां और बाकी बची है? 289। ये हमें आंसर फाइंड हो गया है। यस, हम क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे इसका। मोहित ब्रो ब्रॉट मोहित
he brought 259 pink balls. He bought he bought 125 fewer green balls than pink balls. How many balls did he buy? Yes, Mohit bought 259 pink balls. Mohit ने 259 pink color की ball खरीदी. He bought 125 fewer यानी होते कम green balls. उनमें से 125 कम हरे रंग की balls थी than pink ball, जो कि pink ball के तुलना में पिंक बॉल के कंपेयर में 125 कम थी. कौन सी? ग्रीन बॉल पिंक बॉल के कंपेयर में 125 कम थी. हाउ मैनी बॉल्स उसने कितनी गेंदे और खरीदी हरे रंग की, इसे हम फाइंड करेंगे. यस, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है हमारी 259 बॉल्स है. उसमें से पिंक कलर की, ये पिंक कलर की है और ये ग्रीन कलर की. पिंक कलर की बॉल ग्रीन कलर से कितनी कम है? -125 बॉल्स पिंक कलर की बॉल से कम है. यस, हम यहाँ फाइंड करेंगे 259 माइनस 125. यस, हम लेस करेंगे. 9 में से 5 लेस किया 4, 5 में से 2 लेस किया 3, 2 में से 1 लेस किया 1, 2 में से 1 लेस किया 1. मोहित ब्रॉट 100 balls खरीदी. हमें आंसर फाइंड हुआ 134. मोहित ने कितनी और ग्रीन कलर की हरे कलर की बॉल्स खरीदी? 134. यस, सबको समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स उसने पिंक कलर की कितनी खरीदी थी? 259. उसमें से ग्रीन कलर की बॉल 259 टोटल बॉल थी, उसमें से उसमें 125 जो ग्रीन कलर की बॉल थी देन पिंक बॉल, वो पिंक बॉल से कितनी कम थी? 125. टोटल नंबर ऑफ बॉल थी हमारी 259 और ग्रीन कलर की बॉल पिंक बॉल के कंपेयर में 125 कम थी. तो हाउ मैनी बॉल्स डिड ही बाय, तो उसे हरे कलर की और कितनी बॉल्स खरीदनी थी वो हमने यहाँ फाइंड कर दिया. टोटल नंबर ऑफ बॉल में से हमने जो ग्रीन कलर की बॉल्स थी उसे लेस कर दिया तो हमारे पास आया आंसर 134. तो उसे 134
लाइट ग्रीन कलर की बॉल्स और पचर्स करनी थी। यस, आगे हम एक और क्वेश्चन करते हैं। यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राहुल हैड रुपीज 235 एंड राज हैड रुपीज 123 less than राहुल। यस, क्वेश्चन है हमारा राहुल हैड रुपीज 235। राहुल के पास कितने रुपीज थे? 235 एंड राज हैड रुपीज 123 और राज के पास कितने रुपए थे? 123 लेस देन राहुल। राहुल से कितने पैसे कम थे हमें वो फाइंड करना है। किसके पास? राज के पास राहुल से कितने पैसे कम थे? यस, राहुल हैड रुपीज 235। राहुल के पास 235 रुपीज थे। राज हैड 123 लेस देन राहुल। राज के पास राहुल से 123 रुपीज कम थे। यस, अब इसका क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज मोर रुपीज। यस, किसके पास ज्यादा पैसे थे? हु हैज मोर रुपीज। यस, आपको पता है राहुल के पास कितने थे? राहुल के पास थे 235 रुपीज और राज के पास कितने थे? राहुल से 123 कम थे, तो हमें राज का तो फाइंड करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ हु हैज मोर रुपीज, तो अधिक पैसे किसके पास थे? इसका आंसर हमारा हुआ राहुल। कितने रुपीज थे? रुपीज 235। यस, सबको समझ में आया। इसका क्वेश्चन हम सेकंड क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। इसका हाउ मैनी रुपीज डिड राज हैव। यस, राज के पास कितने रुपए थे? राज के पास हाउ मैनी रुपीज डिड हैव राज के पास कितने रुपीज थे? राज के पास थे 123। राज के पास कितने रुपए थे? 123 किससे? राहुल से कम थे। अब हमें इसे फाइंड करना है। हम कैसे फाइंड करेंगे? राज के पास, यस, 235 रुपीज किसके पास थे? राहुल के पास। और राज के पास राहुल से कितने कम थे? माइनस 233। यस, टोटल नंबर है राहुल के पास जो रुपीज है, राहुल के पास है 235, इसके राज के पास इससे कम है, हम इसको इससे लेस कर देंगे। 123 हमने, यस, राहुल के पास थे 235 रुपीज और राज के पास राहुल से 123 रुपीज कम थे, या हमने राहुल का अमाउंट लिख दिया, इसमें से हमने लेस कर दिया राज का अमाउंट। हम इसे लेस करेंगे, 5 में से 3 लेस किया 2, 3 में से 2 लेस किया 1 और 2 में से 1 लेस किया 1। यस, राज के पास अमाउंट है 112।
तो इसका आंसर क्या हुआ, 112 आंसर हो गया। राहुल के पास कितने रुपए कम है राह से, 112। ओके बच्चों, आप लोग भी अपनी नोटबुक में ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन 5 to 7 सॉल्व करेंगे और चेकिंग के लिए स्कूल में भेजेंगे। ओके बाय।